अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सेल जंक्शन के बारे में, सेल के कनेक्शन के बारे में, इंट्रा सेलुलर कनेक्शन होते हैं सेल टू सेल के दरमियान, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपको तो सेल्स टू सेल्स का आप लोगों को पता ही है कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू दूसरे टिश्यू से कनेक्ट होता है तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन ऑर्गन से कनेक्ट होता है तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऐसे ही सेल सेल से कनेक्ट होता है, हमने पढ़ना है कि सेल सेल के साथ कनेक्ट होता है, ये जो बीच में कनेक्शन है ये कैसा कनेक्शन है, किस चीज के जरिए कनेक्ट होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन सेल्स टू कनेक्ट देम विद अदर सेल्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेल जब दूसरे सेल के साथ मिलता है फॉर्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसके तीन एग्जांपल्स हैं, तीन टाइप्स हैं जो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। टाइट जंक्शन पहला एग्जांपल है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है, ये भी मैंने सेल बनाया, लेकिन टाइट जंक्शन स्टिचेस होता है एक सेल दूसरे सेल के साथ, बिल्कुल स्टिच होता है, टाइटली टाइट नाम से ज्यादा शो हो रहा है कि बिल्कुल टाइटली स्टिच होता है। ये अपना आयन वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकता दूसरे सेल के अंदर क्योंकि बिल्कुल टाइटली कनेक्ट होता है, स्टिच होता है। ये टाइटली कनेक्ट किसके जरिए होता है, प्रोटीन है जिसका नाम है ऑक्टोनिक प्रोटीन, उस प्रोटीन के जरिए कनेक्ट होता है एक सेल दूसरे सेल के साथ। मेड बाय ग्रुप ऑफ टाइट जंक्शन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन प्रोटीन है जिसे कनेक्ट करता है, ये फंक्शन के इसे एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर के रुकावट, टाइट पहले बता दिया कि स्टिच होता है टाइट होता है रुकावट बनता है बीच में। मेंटेन पोलैरिटी, पोलैरिटी सेल की मेंटेन करता है, पोलैरिटी तो जाहिर ही बात मेंटेन करेगा जब एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट, टाइट है कनेक्ट होता है, दूसरे का आयंस वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकता तो पोलैरिटी मेंटेन रखेगा उसकी। उसके बाद है एंटी इंजेक्शन मेड बाय प्रोटीन एकर हेरिंग, एग्रीन जंक्शन या डायन जंक्शन भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है कि एक मिसाल ले रहे हैं आपके आयरन और मैग्नेट की मिसाल ले रहे हैं, जैसे आयरन के ऊपर मैग्नेट ऐसे टाइट में बॉन्ड हुआ हुआ है ठीक है, लेकिन ये परमानेंट टाइट नहीं होता, एक वक्त आता है, टाइम आता है, फोर्स आता है जिससे के जरिए ये आपस में डिसकनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये जिस बॉन्ड से जिस प्रोटीन से कनेक्ट हुआ हुआ है उस प्रोटीन को कहते हैं एक हेरिंग प्रोटीन। इसमें नॉर्मली होता है ये मतलब ज्यादा टाइट नहीं होता है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत आयंस वगैरह ट्रांसफर होने का खतरा होता है, टाइम आता है जैसे डिस्कनेक्ट हो गए ट्रांसफर हो सकते हैं ठीक है। एक्ट बाय करता है लोग एंटी मॉडल करता है, सपोर्ट गिव सपोर्ट टू सेल, सेल को सपोर्ट करने की होता है ये वाला एंट्री जंक्शन। उसके बाद थर्ड टाइप का थर्ड एग्जांपल है इसकी गैप जंक्शन। गैप जंक्शन लाइक नाम से शो हो रहा है कि गैप सेल्स के दरमियान गैप होता है ठीक है, गैप कैसे कनेक्ट होता है, ये एक मिसाल ले लें एक पाइप, पाइप की तरह कनेक्ट होता है एक सेल दूसरे सेल के साथ ठीक है पाइप। उसके बाद इसके बीच में जो गैप होते हैं ना उनके जरिए आयंस ट्रांसफर कर देता है, जिन गैप के जरिए ये कनेक्ट होता है जिस जिस चीज के प्रोटीन से कनेक्ट होते हैं दूसरे उनको पता है कनेक्टिंग प्रोटीन। ये जो बीच में गैप आ रहा है इस गैप के जरिए अपने आयंस ट्रांसफर कर सकता है, और इसको गैप जंक्शन का कम्युनिकेट जंक्शन भी कहते हैं, हिसाब के ऊपर ये सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है इसलिए इसको गैप जंक्शन का कम्युनिकेट जंक्शन भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंट्रा सेलुलर केमिकल्स दैट अलाउ लाइक सेल टू सेल ट्रांसफर ऑफ आयंस, ये इंट्रा सेलुलर केमिकल्स जो अलाउ करता है सेल टू सेल के साथ ट्रांसफर ऑफ आयंस वगैरह ट्रांसफर करने, ये इतना सारे टॉपिक द सेल जंक्शंस।